अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल M3 बवाल। और आज हम आए हैं देवनार बकरा मंडी, जो कि मंगल की मंडी है। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या देखने मिलता है। आप लोग जितने भी वीडियो में बकरे देख रहे हैं, ये पूरा कोटा का लॉट था और माशाल्लाह इसमें बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बच्चे थे। देख सकते हैं आप लोग, जितने भी पूरा लॉट दिख रहा है पूरा कोटा का है और इसमें काफ़ी अच्छे बच्चे थे। कितने के लिए भाई तीनों? कितने के लिए? 30 के तीनों। भैंस के लिए? खासी के। ये कितने में खरीदे? 11.5 हज़ार। 11.5 हज़ार। और वो? 14 हज़ार। 14 हज़ार का। और ये 11.5 हज़ार? ये 5.5 हज़ार। ये छोटा वाला गाभन है? ये बकरी है ना? हाँ, बच्चा देने वाला। पालने के लिए ले क्या रे? हाँ, पालने के लिए। कितने के लिए भाईजान? 26। थोड़ा ज़्यादा है। अभी आप लोग जितना भी ये लॉट देख रहे हैं, ये भी पूरा कोटा का ही था। लगभग मंडी में सबसे ज़्यादा कोटा बकरे ही दिख रहे थे। पर आप लोगों को बता दूं कि फार्म पर जो बच्चे रहते हैं कोटा के और ये जो मंडी के रहते हैं, तो बेटर यही रहता है कि जो फार्म से लेते हैं 2 पैसा ज़्यादा ले देते हैं वही सही रहता है, क्योंकि वो वैक्सीनेट रहते हैं और मुंबई क्लाइमेट सेट रहते हैं फार्म के ज़्यादातर, तो उनके जो खरीदी रहती वो भी महंगी रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों के तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें काफ़ी अच्छे बच्चे थे लेकिन वैक्सीनेट नहीं होते ये, तो बहुत से लोग लेके जाने के बाद बीमार पड़ता है बच्चा, फिर वो मर भी जाता है। 2 पैसा सस्ता रहता है, लेकिन फार्म पे से जो लोग हैं तो आप वैक्सीनेट रहता है और बच्चे क्लाइमेट सेट रहते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप लोग फार्म पे से ही ले। बताने का मकसद ये मंडी में कि बकरे आते हैं जो मतलब न्याज और हकीका हो गया, और जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम में घर के लिए मतलब एक काटने के लिए ठीक है, और कोई अगर फार्म वाला ही परचेस करता है तो बराबर वैक्सीनेट करते हैं और मतलब उनको तरीका मालूम होता है कि कैसे मतलब ये बकरों को रखना है। अब बहुत से नए नए लोग बकरे देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं और लेके जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग फार्म से ही ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। मारा भाई, क्या मांग रहे? इसकी 15 हज़ार। 15 हज़ार? ये टैडी नस्ल है, टैडी बोलते इसको, के बरबर आए भाई। इसके 15 हज़ार रुपये मांग रहे। कितने रात पे? कितने रात पे?
गाइज़ आप लोग जो अभी भाड़ा देख रहे हो ये भाड़ा लखपति चाचा है उनके सामने का है, और इसमें काफ़ी अच्छे अंडोल मुझे नज़र आया तो मैंने वीडियो बनाया इसका। डिटेल लेने के लिए कोई था नहीं, वहाँ पर दे नहीं रहे थे डिटेल। और ये बाड़ा जो देख रहे हो आप, ये बशीर भाई का बाड़ा था जिसमें अच्छे क्वालिटी के बकरे मेरे को नज़र आए। रेट नहीं बता रहे थे तो इसलिए सिर्फ वीडियो निकाला है इनके। तो जो भाई लोग बशीर भाई का बाड़ा जानते हैं वो जा सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे बकरे थे, वीडियो में आप लोग देख ही रहे। इसमें सब बच्चे थे, गुजरी, सिरोही, कोठा, मालवा, बरबरा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।